नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप YouTube पर ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। जो तरीका मैं यूज़ करता हूं वही तरीका आपको मैं बताऊंगा। आप YouTube पर ऑनलाइन किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसा एक कार्टून लेना है जो किसी का भी हो सकता है। ये मेरा कार्टून होम थिएटर का है। इस तरह का कार्टून लेना है और इस कार्टून को आपको इस तरह से ज़मीन पर रखना है। इस तरीके से आपको ज़मीन पर रख लेना है और इस पर आपको इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो बुक रख देनी है। यहाँ पर आप दो बुक इस तरीके से रख देना क्योंकि जिससे इसकी हाइट बढ़ जाए। फिर आपको ऐसी एक पट्टी लेनी है जो लाइट फिटिंग की हो, भले लकड़ी की हो, कैसी भी हो, ऐसी एक पट्टी लेनी है। फिर उस पट्टी को कैसे इस तरह से रखना है, इस तरीके से रखना है और इस पर कुछ भारी बुक रखनी है एकदम, जो वेट में ज़्यादा हो। उस बुक को आप इस तरीके से इस पर रख दे। इस पर रखने के बाद अब आप इस पर अपना मोबाइल फ़ोन रखकर अच्छे तरीके से इसे शूट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी पढ़ाना हो तो आप अपनी नोटबुक लीजिए और इस तरीके से रखिए और अपने तरीके से अपने पेन को लेकर आप अच्छी तरीके से एक अच्छा स्टडी वीडियो बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खर्च के। तो अब मैं अपने मोबाइल से यहाँ पर आपको दिखाऊँगा इसका डेमो कि किस तरीके से ये शूट होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमने जो स्टैंड तैयार किया था उसमें इस तरीके का व्यू आपकी नोटबुक का आएगा। तो आप इस यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि शब्द कितने अच्छी तरीके से और साफ दिख रहे हैं। तो आपको यदि जूम करना है तो अपने मोबाइल से उसे थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं तो आपको अच्छी तरीके से क्वालिटी मिल जाएगी और बच्चों को आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने रिव्यू वीडियोस और स्टडी वीडियोस शूट करता हूं और यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। यह तरीका आप ही यूज़ कर सकते हैं और अच्छा एक स्टडी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं। आपके पढ़ाई के साथ साथ आपकी यूट्यूब अर्निंग भी हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।